सर दोस्तों वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। और आज देखेंगे कि कौन से है वो बेस्ट मॉनिटर जो कि आपको 10,000 के अंडर लेना चाहिए। और एक कॉमन फीचर्स बता दूं जो कि अनबॉक्सिंग में हर कोई आपको बताता है, लेकिन ये कॉमन फीचर्स है हर एक मॉनिटर में होता ही होता है। जैसे रेजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल जो कि नॉर्मल HD मॉनिटर्स में होते हैं। ब्राइटनेस है 250 nits जो कि इंडोर के लिए इनफ होता है। कॉन्ट्रास्ट है 1000:1। व्यू एंगल है 178 डिग्री, चाहे आप ऊपर से देखो, राइट से देखो, लेफ्ट से देखो या फिर नीचे से देखो, 178 डिग्री व्यू एंगल आपको इन मॉनिटर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। और एस्पेक्ट रेशियो है 16.9। बोले तो भाई डिस्प्ले का रेशियो ऊपर से है 16, साइड से है 9। और डिस्प्ले कलर्स है 16.7 मिलियंस कलर्स। सो दोस्तों इन सब फीचर्स के अलावा बाकी फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और भाई सभी में आपको स्लिम ब्लेजल देखने को मिल रहा है सारे ही मॉनिटर में, जिस वजह से लुक्स में बढ़िया बन जाता है। स्लिम ब्लेजल है जिस वजह से मैंने एकदम लेटेस्ट मॉनिटर को ही आज की लिस्ट में ऐड किया है। और भाई इनमें आपको 3 ईयर्स का वारंटी भी मिल रहा है, जिस वजह से खरीदो 3 साल तक बिंदास चलेगा। और इन सभी का बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों का ही। पहला मेरा फेवरेट है MSI G2412 e-sports gaming monitor, और आप इसका लुक देख सकते हो, लुक्स में तो भाई कमाल है। और अगर फीचर्स देखा जाए, 23.8 इंच का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और 170 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और रिस्पांस टाइम भी सिर्फ 1 मिलीसेकंड का है। और बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें आपको नाइट विजन का भी फीचर्स मिल रहा है, जिस वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया आपको इसमें देखने को मिल रहा है। साथ ही में AMD FreeSync प्रीमियम सपोर्ट करता ही है, ताकि हाई गेमिंग परफॉर्मेंस के टाइम पिक्सल ब्रेक ना हो। और फिक्कर फ्री टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रखा है जो कि आई प्रोटेक्शन के लिए काफी बढ़िया है। और ब्लू लाइट डिटेक्शन भी है इस मॉनिटर। और पोर्ट देखा जाए तो 2 HDMI, 1 DP इनपुट और 1 हेडफोन जैक आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है। साथ ही में आप इसे वॉल माउंट भी कर सकते हो। कस्टमर रेटिंग है 4.4 स्टार, प्राइस है 10,600 रुपीज इन Amazon। फ्लिपकार्ट पे आज के दिन इसका प्राइस थोड़ा हाई चल रहा है। और अगला है MSI Pro MP273। ये प्रोडक्ट भी बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है देखने में, ब्लेजल इसके भी काफी स्लिम है। और यहाँ पर आपको 27 इंच का एंटी ग्लेयर लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, और 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, रिस्पांस टाइम है 5 मिलीसेकंड्स। और साथ ही में इस मॉनिटर में आपको एंटी फ्लिकर फ्री पैनल मिल रहा है और लेस ब्लू लाइट प्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रखा है, जिस वजह से आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करेगा। आई कम्फर्टेबल सर्टिफाइड मॉनिटर रही है, और ये भी AMD FreeSync सपोर्ट करता है। पोर्ट देखा जाए तो डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट और हेडफोन जैक आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है। साथ ही में 2 इनबिल्ट स्पीकर का भी इस्तेमाल कर रखा है, जिस वजह से आपको सेपरेटली स्पीकर नहीं खरीदना पड़ेगा। और स्पीकर क्वालिटी एवरेज है, कुछ खास एक्सपेक्ट मत करना आप, क्योंकि 2 वाट के 2 स्पीकर लगा रखा है। साथ ही में आप चाहो तो इसे वॉल माउंट भी कर सकते हो। आज के दिन प्राइस चल रहा है 10,000 रुपीज। कस्टमर रेटिंग भी बहुत बढ़िया है 4.4 स्टार। और अगला है ASUS V824EHF। ये मॉनिटर भी देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, और यहाँ पर आपको 24 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और रिस्पांस रेट भी आपको 1 मिलीसेकंड का है, जिस वजह से गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। एकदम बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल मॉनिटर के कंपैरिजन में काफी अच्छा रिस्पांस है। और इसमें भी आपको फ्लिकर फ्री लो ब्लू लाइट आई केयर प्रोटेक्शन भी देखने को मिल रहा है, और AMD FreeSync सपोर्ट करता है। पोर्ट देखा जाए तो सिर्फ HDMI पोर्ट है, और आप इसे वॉल माउंट भी कर सकते हो। कस्टमर रेटिंग है 3.5 स्टार, प्राइस है 9,000 रुपीज। और अगला है Samsung 1800R कर्व मॉनिटर। यहाँ पर आपको कर्व मॉनिटर मिल रहा है, जिस वजह से इसका लुक्स बेस्ट बन जाता है। 24 इंच का डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई इस बात का ध्यान रखना कि VA पैनल है, लेकिन भाई Samsung का भरोसा है, इसलिए आपको VA पैनल में भी IPS का ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कलर रिप्रोटेक्शन एंड शार्पनेस इसमें आपको बेस्ट ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई Samsung है। लेकिन भाई VA पैनल में क्या होता है ना, लॉन्ग यूसेज के बाद, बोले तो भाई 5-6-7 साल ऐसे लॉन्ग यूसेज के बाद कलर थोड़े से फेड हो जाते हैं, या फिर कलर चेंज हो जाता है, व्हाइट में हल्का सा येलोइश आने लगता है, और धीरे धीरे फेड होगा, आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद जब आप कंपैरिजन करोगे तभी पता लगेगा। और इसमें आपको 70 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, रिस्पांस टाइम है 4 मिलीसेकंड्स। आई केयर प्रोटेक्शन का फीचर्स आपको इसमें भी अवेलेबल मिल जाएगा। AMD FreeSync सपोर्ट करता है, और इसमें आपको VGA, HDMI और हेडफोन जैक का पोर्ट अवेलेबल मिल जाएगा। वॉल माउंट भी कर सकते हो आप। प्राइस है 8,600 रुपीज 4.4 कस्टमर रेटिंग के साथ। और अगला भी सैमसंग ही है, इसमें भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रहा है 24 इंच एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, और इसमें आपको IPS फ्लैट डिस्प्ले मिल रहा है, और लुक्स में ये भी काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है। आज के दिन प्राइस चल रहा है 8,700 रुपीज 4.4 कस्टमर रेटिंग के साथ। और अगला है LG। यहाँ पर आपको 24 इंच का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 70 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, रिस्पांस टाइम है 1 मिलीसेकंड्स। और बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए ब्लैक स्टेबलाइजर का भी फीचर्स प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, जिस वजह से इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। एंड फ्लिकर फ्री आई केयर प्रोटेक्शन एंड लेस ब्लू लाइट का फीचर्स इसमें भी आपको मिल जाएगा। AMD FreeSync सपोर्ट करता है,
और अगर पोर्ट देखे तो डिस्प्ले पोर्ट, VGA, HDMI और हेडफोन जैक आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है। वॉल माउंट का भी फीचर है, प्राइस चल रहा है 8,700 rupees 4.4 कस्टमर रेटिंग के साथ। और अगला है BenQ G4 2480 24 इंच एंटी ग्लेयर मॉनिटर, और आप इसका भी लुक देख सकते हो। लुक्स में भाई ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। और 60Hz का रिफ्रेश रेट आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है, 5 milliseconds का रिस्पॉन्स रेट है, जिस वजह से भाई ये गेमिंग मॉनिटर नहीं है, नॉर्मल मॉनिटर है, एडिटिंग के लिए परफेक्ट है, लेकिन गेमिंग के लिए सोचना भी मत। आई केयर प्रोटेक्शन का भी फीचर अवेलेबल है, AMD FreeSync सपोर्ट करता है, और अगर पोर्ट देखे तो HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, VGA और हेडफोन जैक आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है। और इनबिल्ट स्पीकर का भी इस्तेमाल कर रखा है 2W के, और स्पीकर का परफॉर्मेंस एवरेज है, पास से सुनने के लिए ठीक है लेकिन ज्यादा दूर तक आवाज नहीं जाता। और वॉल माउंट का भी फीचर्स अवेलेबल है, प्राइस चल रहा है 9,000 rupees 4.4 कस्टमर रेटिंग के साथ। और अगला है ज़ेब्रोनिक गेमिंग मॉनिटर, इसमें आपको 24 इंच का एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और 1 milliseconds का रिस्पॉन्स टाइम है, AMD FreeSync सपोर्ट करता है, साथ ही में HDR10 भी सपोर्ट करता है। भाई फीचर्स काफी ज्यादा है लेकिन लुक्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम सा नहीं दिखता, चाइनीज प्रोडक्ट देख के ऐसा फील होता है, तो इस बात का ध्यान रखना आप। और अगर पोर्ट देखे तो 2 HDMI, 1 DP और 1 headphone jack आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है, साथ ही में इनबिल्ट स्पीकर का भी इस्तेमाल कर रखा है, इसका भी स्पीकर का परफॉर्मेंस सेम है, पास से सुनने के लिए बढ़िया है, और आप इसे वॉल माउंट भी कर सकते हो। 10,000 प्राइस चल रहा है और कस्टमर रेटिंग है 3.9 स्टार। और इसके अलावा एक और ज़ेब्रोनिक का प्रोडक्ट है जो कि 27 इंच का अवेलेबल है, भाई उसे गलती से भी मत लेना, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है और लुक्स में भाई बहुत ही ज्यादा मतलब खिलौना टाइप लगता है, तो उसे लेने का सोचना भी मत। और अगला है Acer SA272E 27 इंच एंटी ग्लेयर गेमिंग मॉनिटर, और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, लुक्स में ये भी मस्त लग रहा है, और इसमें आपको 100Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है 1 milliseconds रिस्पॉन्स टाइम के साथ, जिस वजह से इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी आपको थोड़ा बढ़िया मिल जाएगा। आई केयर प्रोटेक्शन का भी फीचर्स है और AMD FreeSync प्रीमियम सपोर्ट करता है ये, और पोर्ट देखा जाए VGMI, HDMI और हेडफोन जैक अवेलेबल है, साथ ही में इसमें भी आपको इनबिल्ट स्पीकर मिल रहा है, लेकिन हाँ आप इसे वॉल माउंट नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं करता, और प्राइस चल रहा है 10,500 rupees 4.3 कस्टमर रेटिंग के साथ। और अगला भी है Acer Nitro VG240YS 23.8 इंच एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ, इसमें आपको 165Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, रिस्पॉन्स टाइम है 1 milliseconds ओनली। आई केयर प्रोटेक्शन का भी फीचर्स है, AMD FreeSync सपोर्ट करता है, और अगर पोर्ट देखा जाए डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट और 1 headphone jack अवेलेबल है, साथ ही में इसमें भी आपको इनबिल्ट स्पीकर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आपको स्पीकर सेपरेटली नहीं खरीदना पड़ेगा, लेकिन इसके स्पीकर का परफॉर्मेंस भी एवरेज है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और वॉल माउंट का फीचर्स इसमें भी नहीं है, प्राइस चल रहा है 10,000 rupees कस्टमर रेटिंग है 4.3 स्टार। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में।